हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का चौथा सोमवार। तो आज का मेरा लुक इस तरह से है, मैंने कॉटन की साड़ी पहनी हुई है, फुल ब्लेस। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। मैं आप लोगों से आज मंदिर से आके मिलूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम डिस्चार्ज है, मैं इसे चार्जिंग में लगा के तब जाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, तो मैं मंदिर से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ ठीक करने बैठी, और इन लोग गए थे नीचे खेलने। मंदिर से आए तो लोग नीचे ही थे, बड़ी मम्मी के पास अपने। अब मुझे लोग मेरा काम करने नहीं दे रहे, देखे चूड़ी ले लेके भाग रहा है। सच में यार, बच्चों के साथ कोई भी काम मैं हमेशा है। क्या कर रहे हो तुम लोग, अब बताओ इनको चूड़ी से क्या मतलब है? लेकिन नहीं, घुस गए हैं, सब चाहिए इनको। अब जाओ यहाँ से, वो मुझे दे दो, ये आप ले लो, ये वाला ले लो। अरे क्यों फेंक रहा है बाबू? ये देखो ना, मैं मेरा सब इधर उधर हो गया था, तो मैंने सोचा सब ठीक से मैं रख दूँ और उसके बाद अपना कलेक्शन भी आप लोग को दिखा दूंगी, लेकिन ये लोग मुझे करने नहीं देंगे। क्या क्या यार, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चे ऐसे आके हैरान करते हैं, काम नहीं करने देते? मुझे तो बिल्कुल काम नहीं करने देता है। हाँ, क्या चाहिए? चूड़ी चाहिए? नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी ना। जाओ यहाँ से, जाओ दादी पास, जाओ जाओ। ए बाबू, आप भी जाओ, जाओ। ये तो मेरा राजा बाबू है, मिल लो सबसे, हेलो हाय कर दो। तो मैं कर पाऊंगी अपना काम। मैं अपनी चूड़ियों को ठीक से रख के फिर आप लोग को दिखाती हूँ, और फिर मैं पहले कर लूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। एक सेकंड बाबा, मुझे तो करने दो। मैं खूबसूरत, हाँ दे दे, कुछ उसको दे दे बेटा। मैंने केकिया बनाया, देखो। दिखा दो, क्या दिखा रहे थे? देखो देखो, मैंने क्या ही है, देखो हरा लाल, हरा लाल, सब बता रहे आप लोग। एवरीवन देखो मैंने कैसे बना। क्या बोल रहे हो? कैसे बनाया? इसको भी आप लोगों से बात करना आ गया है, और इसका मन भी करता है आप लोगों से बात करना, नहीं कराती तो रोने लगता है। और मैं तो अपना काम अभी कंटिन्यू, मैंने फोन रख दिया था, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करने नहीं दे रहा था, मुझे पकड़ाना पड़ा। मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर हो गया है, और करने के बाद आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं 4 बजे से लगी थी, 5:30 बज गए हैं, और मेरा चूड़ी का ये हाल हुआ। कुछ तो खिड़की के बाहर चला गया, यहाँ से वो आगे ये जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया। ये ग्रीन चूड़ी, ये ऑरेंज, ये सब हैं। ये चूड़ियाँ मैं गांव से लेके आई थी, ये मैं गांव से लेके आई थी, मेरे पास जगह नहीं है तो ये नहीं मैं रख दे रही हूँ। ऐसे गोल्ड में होता है ये, आप किसी पे भी पहन सकते हो। ये ब्लू कलर की मेरी साड़ी थी, उसका मैंने ये सेट करवाया था। और ये देखिए, ये भी मल्टी है, ये आप प्योर ग्रीन के साथ भी चलता है, और मल्टी है तो ये किसी पे ये भी चल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत रेड, ओहो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की चूड़ी है ये, देखिए
ये कंगन है रेड कलर का और ये सब मल्टी कंगन है। ये चूड़ी मेटल की है, बहुत ही खूबसूरत चूड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी सिल्क की साड़ी है, ये मैंने उसके ले लिया था। इनमें से मैंने कुछ ही साड़ी सॉरी कुछ ही चूड़ियाँ यूज़ की, और नीचे वाले कंगन को, ये वाले कंगन को तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया, आज ही मैंने इसको पैकेट से खोल के इसमें लगाया है। और ये शादी के टाइम का था मेरा ये सब। और ये वाइट का है, या वाइट साड़ी या फिर क्रीम साड़ी सबके साथ भी चलता है इसका, ज़्यादातर इसमें वाइट नग लगे हुए हैं तो। और ये सब गोल्ड है, किसी भी चूड़ी के साथ, किसी भी साड़ी के साथ आप इनको चला सकते हो। और ये वहाँ से बिजी है, ये मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं जिनको मैं अभी कलेक्ट नहीं कर पाई, अभी बहुत सारी हैं और इनको मैं करूँगी, अब इनको मैं करूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, शाम का टाइम हो गया है, मैंने दिया बत्ती कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और ये टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और थोड़ी देर बाद 8 बजे तक मैं वीडियो एडिट करूँगी, फिर आप लोग तक सेंड करूँगी। मैं बाहर का लाइट ऑन करने आई हूँ। भोले बाबा से भी मिल लीजिए, सुबह नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, छत पे आ गई हूँ, हेलो फ्रेंड्स। मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, मेरे सच में मेरे पक्के वाले फ्रेंड्स बन चुके हैं, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तो आप लोग से दोस्ती तो होनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो सब सारे सब्सक्राइबर्स के नाम लेने वाली हूँ मैं, तो वो वीडियो कल जाएगा। और आज का वीडियो मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे से फ्रेंडशिप की है, एक दूसरे को सब्सक्राइब किया है, तो एक दूसरे की वीडियो को फुल वॉच करो, फुल सपोर्ट करो, कम दोस्त बनाओ लेकिन अच्छे से उस दोस्ती को निभाओ। क्योंकि आप अगर फुल वॉच नहीं करोगे तो उनका चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और सेकंड जो है वो ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, दोस्ती जितनी करनी है कम करो लेकिन अच्छे से करो। देखो क्या होता है, हमें मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलता है सबका वीडियो फुल वॉच करने का, टाइम मुझे भी नहीं मिलता, मेरे 2 बच्चे हैं और घर का सारा काम, एक हाउस वाइफ हूँ, सिर्फ काम वाली के लिए, सिर्फ पूछा के लिए ही काम वाली है, बाकी काम के लिए, बाकी काम मैं खुद करती हूँ, और दोनों बच्चों भी संभालती हूँ, और मैं अपना खुद का वीडियो एडिट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना और सब कुछ होता है। तो लेकिन सबका वीडियो भी वॉच करती हूँ, कैसे करती हूँ मैं, सुबह के टाइम मेरे देवर जी होते हैं तो उनका मैं वाईफाई कनेक्ट करके मैं सबका वीडियो बीच बीच में चालू करके छोड़ के और अपना काम भी करती रहती हूँ। और जब मैं कमेंट करती हूँ तो मैं बाद में देखती हूँ, और एक साथ तो मैं नहीं देख पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखती हूँ, वीडियो को समझ जाती हूँ, फिर वो जो है मैं मैसेज कमेंट कर देती हूँ। और दूसरी चीज़ जैसे कि मैं छक पे आई हूँ, मैं हाँफ रही हूँ, मुझे काम भी बहुत है तो मुझे टेंशन भी है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, तो इस तरह से मैं वीडियो सबका देखती हूँ मैं। लेकिन सच बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, मैं पूजा करके आई हूँ, मैं सबका वीडियो फुल वॉच करती हूँ, नहीं देखती हूँ मैं, चालू करके छोड़ देती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, मेरे जितने मैं चेक करती रहती हूँ, मैंने बेल आइकन से मैंने सबका चेक किया, मैंने सब पे ऑल पे किया है कि नहीं, मैं जैसे ही मुझे मेरा कोई न्यू सब्सक्राइबर होता है मैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करती हूँ, उसका बेल आइकन क्लिक करती हूँ,
तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से हमें सपोर्ट करिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, सिर्फ मेरे वीडियो को नहीं, आप मतलब के जो आपके जो सब्सक्राइबर आप उनको इस सपोर्ट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हम उनके वीडियो को इतने चाव से देखते हैं, इतने इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, लेकिन जो छोटे जो नए हैं, आखिर होता उनके भी वीडियो में वही सब कुछ है। जैसे दीपिका सोएब इब्राहिम, इनकी वीडियो को हम कितना देखते हैं, सोएब इब्राहिम को कितना देखते हैं, मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद इनकी फ़ैन थी, लेकिन मैं इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं नहीं देखती हूँ। मैंने अनसब्सक्राइब भी सेट कर दी है कि नहीं किया, नहीं किया तो करूँगी, अगर कर दूँगी मैं तो। और मेरी एक मुझे एक जिनका ब्लॉग मैं देखती थी, जिनके चलते मैंने खुद ब्लॉगिंग करना चालू किया, वो है सोनल, वो बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती है, मैं उसका देखती थी, लेकिन उसका तो मैं अभी भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा है। और आपको पता है वो लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी उनका वीडियो देखते हैं। पर ऐसा मत करो यार, उनका देखो ना जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी वीडियोस देखो, उनको वॉच टाइम, उनका वॉच टाइम बढ़ाओ। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, तभी हम भी आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का मेरा यही मैसेज था। तो आपको अगर आज मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।